शाहदरा जिला के झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया के एक सार्वजनिक शौचालय में 3 साल के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची विवेक गया थाना पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बच्चे का अंडरगारमेंट, बिस्किट और कुछ पैसे शव के पास से बरामद हुआ है। इससे आशंका है कि बच्चे की कुकर्म कर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक किसी राहगीर ने झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया के एक पब्लिक टॉयलेट में गुरुवार शाम बच्चे के शव की सूचना दी। सूचना मिलते ही विवेक विहार थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पब्लिक टॉयलेट में 3 साल के बच्चे का शव पड़ा था। पास ही में उसका अंडरगारमेंट, बिस्किट और कुछ पैसे पड़े थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर GTB अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। क्राइम टीम और FSL की टीम से मौके का मुआयना कराया गया। जिस हालात में मासूम का शव मिला, उससे आशंका है बच्चे के साथ कुकर्म कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है मृतक बच्चे की पहचान हो चुकी है। वह पास के ही झुग्गी बस्ती का रहने वाला था। बहरहाल पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आसपास की झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि हत्यारे की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जा सके। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।